Hi, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeited and race related problem. Okay. तो अब हम लोग इसमें भी एक जो CBSE में आए हुए क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको देखते हैं कि कंपनियां क्या एंट्रिया करती हैं forfeited में और रे इशू के टाइम पे. तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या है? TAG Limited forfeited 400 share of rupees 10 each issued at a premium of rupees 1 per share for the non-payment of allotment money of rupees 4 per share including premium. यहाँ तक क्वेश्चन में क्या था है? देख लेते हैं. कंपनी कह रही कि 400 शेयर थी कंपनी के पास. कंपनी ने उस जो फॉरफिट की हुई शेयर है वो कितना है? 400 है. जो एक शेयर की प्राइस कितने का था? 10 रुपीज का था. और प्रीमियम कितने का था? 1 रुपए प्रीमियम का था. जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया वो 4 रुपए के हिसाब से, यानी 4 रुपए 4 रुपीज के पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं किया जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम था. द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड. यानी कंपनी ने किसका पेमेंट कॉल नहीं किया था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का था? वो कंपनी का 3 रुपए का था. कंपनी ने उससे कॉल नहीं किया. ठीक है. फिर कह रही है 50% ऑफ द फॉरफिट शेयर वेयर री इशूड एट रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप. कंपनी कह रही है कि 50% शेयर को री इशू कर रही है 50% को, और कितने रुपीज में कर रही है? 8 रुपीज पर शेयर पे कर रही है. ओके. और कह रही है कि 5 दिन से जनरल एंट्री. अब देखते हैं कंपनी क्या बता रही है कि कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था. 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच. ठीक है. प्रीमियम कितने का था? रुपीज 1. यानी टोटल कितने का हो गया? 11 रुपीज का हो गया. कंपनी कह रही है कि इसमें कंपनी का फाइनल कॉल अनपेड कॉल अनकॉल्ड क्या थी? जो कंपनी ने कॉल नहीं किया हुआ है वो कौन सी अमाउंट थी? अनकॉल्ड अमाउंट कौन सी है? कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है. जब कॉल नहीं किया कितने रुपीज का? कंपनी कह रही है कि यहाँ पे अलॉटमेंट है और ये क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है. फर्स्ट अलॉटमेंट कितने का? रुपीज 4 का है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का? रुपीज 3 का है. यानी रिमेनिंग जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा? अप्लीकेशन का. अगर इसमें हम लोग देखें तो कंपनी का फॉरफिट की अमाउंट भी निकल सकती है बड़ी आराम से. अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अप्लीकेशन लिखते हैं तो कंपनी का शेयर कितने का था? 11 रुपीज का था. ठीक है. 11 रुपीज में से कंपनी ने अभी कितने का था बता रही है? 4 + 3 कितने का हो गया यहाँ पे? 4 + 3 = 7. यानी 11 में से अगर 7 हम लोग माइनस करते हैं तो कितना जाता है यहाँ पे? 11 में से 7 माइनस करते हैं तो कितना है? 4 रुपीज. यानी एप्लीकेशन कितना रहा होगा? 4 रुपीज. इतना अमाउंट उसने पेमेंट किया है. ये अमाउंट पेमेंट नहीं किया कंपनी ने. इस अमाउंट को कॉल नहीं किया यानी इसने इसका पेमेंट कर दिया है. इसकी अमाउंट अलॉटमेंट कंपनी कॉल की है लेकिन उसे पेमेंट नहीं किया और इसने कंपनी ने कॉल ही नहीं किया. ओके. तो अब ये तो था क्वेश्चन के अंदर में. अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में कंपनी जनरेट क्या करेगी. तो कंपनी बता रही है कि इसमें अलॉटमेंट कितने रुपीज का था? 1 रुपीज का. ये जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कहाँ पे थी? अलॉटमेंट में थी. तो कंपनी अपने यहाँ पर जो जनरेट करेगी तो पहली जनरेट क्या होगी कंपनी के यहाँ पे? जो फर्स्ट जनरेट होगी वो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब क्या थी इसमें? कह रही प्रीमियम भी है तो प्रीमियम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. अब उसने पेमेंट क्या नहीं किया था? अलॉटमेंट नहीं किया था तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब उसने पेमेंट तो नहीं किया तो पेमेंट क्या किया? तो जो भी पेमेंट किया वो कंपनी कहां पे करेगी? फॉरफिटेड में. तो क्या जाएगा? क्या करेगी कंपनी इसको? फॉरफिटेड शेयर्स. ओके. अब ये तो कंपनी ने जनरेटिंग कर लिया यहाँ पे अपने यहाँ पे कि कंपनी का फॉरफिट कर रही है. तो अब देखिए कंपनी की यहाँ पे कितने शेयर का फॉरफिट करना है. कंपनी कह रही कि 400 शेयर को फॉरफिट की तो यहाँ पे आ गया 400. कंपनी कह रही जो 10 रुपए का था, ये जो 10 रुपए का था कंपनी ने मांगा नहीं है. कितना नहीं मांगा? ये 3 रुपीज तक कंपनी ने मांगा ही नहीं. जब 3 रुपीज तक कंपनी मांगी नहीं है तो कंपनी ने मांगा कितना है? यानी 10 - 3 करते हैं तो कितना आ गया कंपनी का?
7 rupees. यानि capital में कितना आ गया 400 into 7 कितना हो गया 2800. Okay. अब कंपनी कह रही कि प्रीमियम कितने रुपीस का है 1 रुपीस का है. तो प्रीमियम में ये तो कहाँ पे आ गई, ये तो अमाउंट आ गई थी कैपिटल में, ये तो अमाउंट आई थी कैपिटल में. तो अब कंपनी का प्रीमियम पे कितना आ गया 1 रुपीस के हिसाब से प्रीमियम पे आ रही है. प्रीमियम कितने का था 1 रुपीस का. तो फॉरफिडेट में यहाँ पे प्रीमियम कितने से आएगी 400 इंटू 1 कितना आ गया यहाँ पे 400. अब कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट नहीं पेमेंट के बाद अलॉटमेंट कितने रुपीस का था, ये अलॉटमेंट कितने रुपीस का बता रही है कंपनी 4 रुपीस का. यानी अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया तो कितना नहीं पेमेंट किया 400 इंटू 4 अलॉटमेंट पेमेंट नहीं हुआ कितने का 1600 का. हम लोगों ने पहले ही बात किया कि अब हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट फॉरफिट में आएगी. यानी जो अमाउंट उसने पेमेंट किया वो अमाउंट कहां पे आएगी फॉरफिटेड में. तो यहां पे कितने रुपीस उसने पेमेंट किया 4 रुपीस तक. यानी कैसे मालूम चला तो हम लोगों ने बताया कि 11 रुपीस का था जिसमें 4 और 3 का तो कंपनी बता रही है 7 रुपीस. यानी 11 में से 7 माइनस कर दिया यानी जो रिमेनिंग जो 4 रुपीस था उसने उसने का अमाउंट पेमेंट किया. तो वो अमाउंट कहां पे आई होगी, वो एप्लीकेशन में आया होगा नेचुरल सी बात है तब की कंडीशन में. तो यहां फॉरफिट में कितना आएगा 400 इंटू 4 जो उसने पेमेंट किया था वो भी कितना था 1600. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगी बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड. ठीक है, अब कंपनी ने जो फॉरफिट की हुई है कितने शेयर को फॉरफिट की हुई है कि कंपनी 400 शेयर को फॉरफिट की. अब कंपनी का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर, 50% ऑफ फॉरफिटेड शेयर यानी 200 का 50% अगर निकालते हैं तो कितना आएगा. तो 400 इंटू 50% कितना निकाले 200 शेयर्स. यानी 400 का जो 50% शेयर कंपनी जो रीइशू कर रही है तो 400 का 50% निकाला तो कितना आ गया 200 शेयर. और कंपनी क्या कर रही है कितने रुपीस पे रीइशू कर रही है 8 रुपीस फुली पेड अप. फुली पेड अप का मतलब क्या है कि कंपनी का जो ये शेयर कैपिटल में कितने से आएगा वो 10 रुपीस से आएगा कैपिटल में. और कंपनी कितने में कर रही है 8 रुपीस में. तो नेट जनरेटिंग क्या कर रही है कंपनी अपने आप में बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखिए 10 रुपीस का था लेकिन कंपनी ने 8 रुपीस में किया यानी कम पे किया तो कंपनी के लिए यहाँ पे क्या हो रही है लॉस हो रही है. तो जब लॉस हो रही है तो उसके लिए वहां पर डिस्काउंट वाले कंडीशन में जब लॉस होती है तो उसको हम लोग उसके लिए यूज क्या करते हैं फॉरफिटेड शेयर. तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब देखिए यहां पे कंपनी कितने शेयर को कर रही है 200 को. तो बैंक में कितने से आएगा 200 इंटू 8 बैंक में कितना आ गया 1600. कंपनी को फुली पेड अप है तो यहां पे कितना आएगा 200 इंटू 10 कितना आ गया यहां पे 2000. तो कंपनी को कैपिटल लॉस कितने का हो गया 8 रुपीज कंपनी को मिल रहा है. कंपनी को मिलना चाहिए था 10 रुपीज. तो कैपिटल लॉस कितने की हो गई यहाँ पे जिसको हम लोग एडजस्ट करें किससे फॉरफिटेड शेयर से. तो 200 इंटू 2 कितना हो गया यहाँ पे 400. बीइंग फॉरफिटेड 200 शेयर्स रीइशू. अब कंपनी ने तो 200 शेयर को रीइशू कर दी. अब कंपनी के लिए यहां पे कैपिटल प्रॉफिट हो रही है तो उसको कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में. जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है तो सेम अब यहां पे देखते हैं कि एक शेयर पे कंपनी को मिला कितना था 4 रुपीज और कंपनी ने यहां पे यूज कितना कर दिए 2 रुपए. यानी 2 रुपए यूज करने के बाद कंपनी के पास रिमेनिंग कितना था 4 रुपीज. तो मिला था 2 रुपए उसमें से यूज कर चुकी है तो बचा कितना 2 रुपए पर शेयर बचा. तो कंपनी को एक शेयर पे जो कैपिटल प्रॉफिट हुई है वो कितने रुपीज का हुआ 2 रुपीज का. जब 2 रुपीज का हुआ है तो वो कितने शेयर को रीइशू की थी कंपनी ने 200 को. यानी जो कैपिटल रिजर्व में आएगा कितने से आएगा 200 इंटू 2 400. तो कंपनी के यहां पर जो जनरेटिव होगी वो क्या हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व कितने से आएगा 200 इंटू 2 कितने से आ गए यहां पे
400 being gain on forfeited money transfer to capital reserve account. अब इसको हम लोग जो capital reserve की amount जो निकाले हैं, इसको हम दो तरीके से बता देते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है. तो पहला क्या हो सकता है कि अब देखते हैं कि यहां पे क्या हो गया. यहां हुआ 400 share forfeited amount, 400 shares forfeited amount, forfeited amount is equal to कितना आया था कंपनी को 1600. ओके, सो वन शेयर के लिए कितना होगा 1600 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू ₹4. ठीक, सो 200 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, 200 शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट इज इक्वल टू 200 इनटू 4 कितना है यहां पे 800 लेस फॉरफिटेड अमाउंट यूज ऑन बी यूज लेस फॉरफिटेड अमाउंट used on reissue. अब देखिए forfeited reissue में use कितना किया, 4 rupees तक use किया, तो capital profit कितने की बची है 400 की. ये हुआ, ये क्या हो गया capital reserve, capital reserve. ये थी capital reserve. एक तीस टाइप से निकाल सकते हैं कितना 400 share पे कंपनी को मिला था 1600 थे, 1 share पे कितना मिला 4 rupees था, तो 200 share के लिए कितना use कर सकते हैं 200 into 4 के हिसाब से 800. लेकिन reissue में कंपनी ने use कितना किया 400, तो capital reserve बचा कितना 400. और दूसरे हिसाब से मैंने बताया कि कंपनी का 400 एक शेयर पे 4 रुपीस के हिसाब से एक शेयर पे मिला था, कंपनी को जो कैपिटल लॉस हुई थी एक शेयर पे कितने का था 2 रुपीस के हिसाब से. तो अब कंपनी ने यहां पे रीइशू कितना किया था 200 शेयर, तो 200 into 2 के हिसाब से रिमेनिंग बचा हुआ है उसको कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में. इन दोनों में से जो भी कंडीशन आपको इजी लगे आप उसका यूज कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए. ओके, बाय, थैंक यू.